নমস্কার বন্ধুরা, আজকের আমরা যে প্রোগ্রামটা করতে চলেছি, আমি আগের মতো বারবার এর হোলিস্টিক হিলিং নিয়ে আসি। আজকে আমি বলতে চলেছি রক্তাক্ত শৈশব। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমাদের প্রোগ্রামের নাম রক্তাক্ত শৈশব। ফুলের মতো শিশুদের কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের শৈশব ধর্ষণের মাধ্যমে। বন্ধুরা, চারিদিকে যা শুনতে পাচ্ছেন যে কিভাবে 3.5 বছর, 4 বছর, 5 বছরের বাচ্চাদেরকে নিপীড়ন করা হচ্ছে শারীরিকভাবে, তো এই নিয়ে আমরা ডেকে নিয়েছি শীলা চৌধুরীজিকে। উনি আপনাদেরকে হোলিস্টিক থেরাপির মাধ্যমে বলবেন যে কিভাবে এই পাশবিক অত্যাচার বন্ধ করা যায়। নমস্কার ম্যাডাম। নমস্কার উজ্জ্বলজি। রক্তাক্ত শৈশব এই প্রোগ্রামে আপনাকে স্বাগত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাডাম। আমরা এর আগে একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম যে শিশুরাই কেন, তা আপনি আমরা এই নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম। তো আজকে আমি জানতে চাই যে এই যে মানুষের মধ্যে যে এই পাশবিক, একটা বাচ্চার উপরে পাশবিক অত্যাচার, আপনি দেখছেন নিশ্চয়ই যে বাবার বয়সী লোক, দাদুর বয়সী লোক, মানে তার উপর, মানে বাচ্চাগুলোর উপরে কিভাবে অত্যাচার করছে বা বাচ্চাগুলো কিভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে, এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। হ্যাঁ জরুর উজ্জ্বলজি। আর ইয়ে যে আজ হামলোগ আলোচনা ইয়া হামলোগ যে বাত লেকে ব্যাঠে হ্যাঁ, তো ইয়ে বহুত জরুরি হ্যাঁ হাম লোগো কে সমাজ কে লিয়ে, ক্যোঁকি দেখিয়ে ইয়ে যো টপিক হ্যাঁ হাম লোগো কা রক্তাক্ত শৈশব, তো ইসকে লিয়ে যো অভি হাম লোগ সুন রহে হ্যাঁ নিউজ মে অর মিডিয়া মে অর বহুত সারা জগহ জহাঁ পে বহুত কুছ হো রহা হ্যায়, তব ভি হাম লোগো কে পাস নিউজ নেই আ রহা হ্যায়। ইয়ে ঘর সে ভি শুরু হোতা হ্যায় উজ্জ্বল জি, ये घर में भी आप देखेंगे कि बच्चों को बोला जाता है कि गोद में बैठो, और गोद में बैठने के बाद में भी बच्चे क्या करते हैं कि वो तो छोटे हैं, उनको तो समझ में भी नहीं आता कि कौन से पोजीशन में उनको बैठाया जा रहा है या कौन से बैक टच, गुड टच वो। और आप देखेंगे 6 महीने का बच्चा जो छोटा है वो क्या समझेगा। तो ये जो लॉजिकल जो आप देख रहे हैं, ये सिक पर्सन्स, मतलब ये जो बीमार इंसान जो समाज में बढ़ते जा रहे हैं, हम लोगों को इन लोगों को ऐसा एक जवाब देना चाहिए जो इन लोगों को, मतलब जो बोला जाता है, हिला के रख दिया जाए। क्योंकि देखिए आप, ये बच्चे, ये मतलब आप किसी तरह से भी देखिए, हम लोग भी होलिस्टिक कर रहे हैं, हम लोग काउंसिलिंग करते हैं, हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं लोगों को कि शांत जो स्वभाव है वो रहे। लेकिन आप देखेंगे कि ये हम लोग अपने तरफ से भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं समाज को कि ये सब कुछ जो मेस, ये जो कचरा है ये साफ हो। लेकिन आप देखिए, हमारे जो सरकार है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब उन लोग बता रहे हैं जो कि जो हमारा इंडिया समाज साफ़ होना चाहिए। हाँ, समाज साफ़ होना चाहिए, वो इजी है बहुत, जो हम लोग झाड़ू दे दिए और साफ़ कर दिए, साफ़ हो गया जगह। लेकिन ये सफाई का क्या करना है, तो ये सफाई हम लोगों को सबको मिल के करना है कि ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों का फ्यूचर, हम लोगों के देश का फ्यूचर, छोटा मतलब छोटा है, बोल नहीं पाता है, तो उसके साथ में इस तरह सा बिहेव करना, ये जो चाइल्ड अब्यूज्ड स्पेशलाइज्ड, मतलब हम लोग जो शो कर रहे हैं अभी, तो ये चाइल्ड अब्यूज्ड, इसको तो जैसे भी हो, इसको हम लोगों के खून से भी हो या हम लोगों के शक्ति से हो, तो इसको स्टॉप करना ही है। तो हम मतलब ये जो टॉपिक आप लेके बैठे हैं, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं जो दर्शक देख रहे हैं हम लोगों को, प्लीज़ देखिए। लेकिन देखने के बाद में आप प्लीज़ सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, सिर्फ सुनिए मत। क्योंकि हम लोग इन फ्यूचर जो शादीशुदा है उनके बच्चे, जो नहीं है इन फ्यूचर, उन लोगों की शादी होगी, तो जो मतलब शादी होके जा रहे हैं, या मतलब ये सब चीज़ हम लोगों को इन फ्यूचर सोचना है। অ্যাডসগুলো দেখানো হয়, এতে এত সেক্সুয়াল অ্যাডস যেগুলো হয়, যৌনতা এতটা দেখানো হয়, এতে কি কোনো এফেক্ট পড়ে বাচ্চাদের? অবভিয়াসলি, এ ওয়ার্ড বহুত কম্পালসারি হ্যাঁ বলনা হমকো কি অবভিয়াসলি ये अफेक्टेड है। ये आप देखिए, फैमिली के साथ आप बैठ के देख रहे हैं टीवी, तो अचानक अचानक जब ये एड्स आता है, देखते हैं हम लोग,
तो हम लोग को भी मतलब बच्चे क्या हो गया वो देख रहे हैं, वो समझ रहे क्या है, एक लड़का एक लड़की ऐसे हो रहा है ऐसे कर रहा है, उन सब वो समझ नहीं पाता है कि वो बुरा है या सही है। क्योंकि आप देखिएगा, अगर आप रिमोट लेते भी और उसको हटा देते हो चैनल को, तो भी उसके अंदर क्वेश्चन आएगा कि क्यों हटा दिया, क्यों हम क्यों नहीं देख सकते ये वाला। तो ये बहुत बहुत ही लज्जा का बात है हम बोल सकते हैं उज्जवल जी की, थोड़ा भी प्राइवेसी बोल के शायद हम लोग के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में नहीं है। और जब कुछ घटना घटता है और हम लोग देखते हैं और हम लोग तब चिल्ला चिल्ली मतलब बहुत कुछ हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग के ऊपर बीता, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो देखिए आप कुछ नहीं कर रहे, ये मिनिस्टर या पुलिस या कुछ और भी जितना हम लोगों को मतलब समाज के लिए बना गया है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं। तो हम लोग को सबको मिलके करना है ये। भूख अगर आपको लगता है तो खाना तो आपको बनाना ही होगा पेट भरने के लिए, तो वो तो आप कर ही रहे अपने घर पे, तो ये क्यों नहीं। আচ্ছা ম্যাডাম, এই যে বড় বড় যেসব দোকানগুলো আছে এখানে এখনো মানে কি বলবো, আপনার বাচ্চারা হুম হুম মানে মানে বিলং বিলো 18 ইয়ার্স এরা অনেক অ্যাডাল্ট মুভি কেনে, হুম হুম তো এতে এই দোকানদারের কর্তব্য কি? দেখিয়ে বিজনেস ইজ ভেরি বিগ ফ্যাক্টর, পয়সা তো हमको क्या लेना देना है, बच्चा 17 साल का हो या 14 साल का हो या 6 साल का हो, वो हमको पैसा दे रहा है और हम उसको दे रहे हैं। और नेट में तो दिखाता ही है, देखते हैं आप क्लिक किए चलो देखना है आपको, देख रहे हैं। तो अभी जो ट्रेडिशन हो गया है कि आपको बच्चे को एक मोबाइल देना ही है, आईफोन वो लेना ही है, चलो छोटा बच्चा है 6 साल का तो उसको नहीं दिया गया, लेकिन आप देखिए अबव 12 ईयर्स हर बच्चे के पास है फ़ोन, स्किन टच चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक एक लिमिटेशन जो है, ये लिमिटेशन हम लोगों के देश में बोल सकते हैं आप, हम लोगों के माता पिता जो है गार्जियंस जो है, ये लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तुम पास करो, इतना नंबर लाओ तो हम तुमको ये फ़ोन खरीद के हम तुमको दे रहे हैं, आप रिश्वत दे रहे हैं लिटरली बच्चे को, तो वो बच्चा क्या सीखेगा आपसे? मतलब करप्शन माइंड हो रहा है। ऑब्वियसली देखिए, करप्शन हम बोलना चाहते हैं, घर से ही आप हर अच्छा चीज़ भी सीख सकते हैं, बुरा चीज़ भी सीख सकते हैं। तो ये समाज में हम लोग कितना सफाई करते जाएंगे, इसलिए हम बार बार हम दर्शकों को बोलना चाहते हैं, हम लोगों को अपने खुद के घर से शुरू करना है सब कुछ। तो ये जो दुकान में आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको कि दुकान में जाते हैं और बच्चों को ये नेट में जो भरना है भर के दे देता है, जो दे रहा है उसको पैसा मिल रहा है, हाँ उसके खिलाफ भी बोलना है कि उसके खिलाफ भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाना है। देखिए आप अगर जड़ से नहीं पकड़ेंगे তো গাছ মে তো জহর হো গাই। আমাদের শেষ প্রশ্ন ম্যাডাম, সময় তো ফুরিয়ে এলো ম্যাডাম, আগে আমরা যখন জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিলাম তখন ঠাকুরমা ঠাকুর ঠাকুরদা এনারা বিভিন্ন রকম স্টোরি বলতেন, যেমন রামায়ণ মহাভারত পঞ্চতন্ত্রকে কাহিনী আর যে হতে এপিক্স এর উপরে। তো এখন কি হচ্ছে, আমরা যত কনজাস্টেড মাইন্ড হয়ে যাচ্ছে তখন এখন কি মা বাবা দাদু দিদার সঙ্গে না থেকে বাবা মা অফিস করেতে বাবা হয়তো কোনো কারণে হয়তো তাদেরকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তো সেই জায়গায় এখন এবং কি শিক্ষাতেও সিলেবাসেও আমাদের এখন কিন্তু সেই রামায়ণ মহাভারত এইসব নেই, পঞ্চতন্ত্রের যে গল্পগুলো ছোটদের গল্প বলতে কিচ্ছু নেই, যা এসছে সব বিদেশে। ম্যাডাম এইটাতে কি কোনো চাপ সৃষ্টি হচ্ছে? जी हाँ उज्जवल जी, इससे बहुत ज़्यादा चाप होता है। हम आपको बोलना चाहते हैं सिर्फ मतलब ये जो वायलेंट मूवीज़ जो आप बता रहे हैं, अभी देखिएगा आप छोटा बच्चा को भी बोलिए वो वायलेंट मूवी देखने के लिए बहुत खुश हो जाता है। और ये जो वायलेंट मूवी होता है, आप देखिएगा बहुत सारा इंग्लिश मूवीज़ है, हिंदी मूवीज़ है, साउथ में इंडियन मूवीज़ है, जैसे कि आप देखिए बहुत सारा पिक्चर ले लीजिए आप जो बनता है, तो पिक्चर बनाना ठीक है वो तो देखना ही है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं वो उस मूवी को पसंद करते हैं देखने के लिए। तो वो जी हाँ बिल्कुल, जो हम लोग छोटा में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग दादी नानी जो रहते हैं हम लोगों को, तो कहानी बोलते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा होता था, तो वो क्यूटनेस जो होता है वो बचपना जो होता है वो हम लोगों के अंदर रह जाता था, जब बड़े भी होते थे हम लोग तो भी हम लोग के अंदर रह जाता था। लेकिन अभी आप देखेंगे उस तरह का आपको क्यूटनेस नजर, आप बोले आप बच्चों को बोलिए कि चलो तुम ये कहानी सुन लो, वो बोलेगा नहीं हमको नहीं सुनना है, हमको गेम खेलना है, गेम खेलना है, मारना है हमको गाड़ी से, बच्चे बोलते हैं। ऑब्वियसली आप देखिएगा गेम, आप देखिए अभी आप नेट में आप उठा लीजिए,
कोई गेम ऐप आप लगाइए उसमें तो गेम ही ऐसा है कि चलो जैसे कि बीच में जो निकला था गेम वो छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे, सुसाइड भी कर रहे थे। तो ये जो है ये आप देखेंगे समाज में बिजनेस तो होता ही है, लेकिन हम लोगों को अगर हम लोग सतर्क रहे, हम लोग भी छोटे से बड़े हुए यही समाज में, हम लोग भी यहाँ बैठे हैं यही समाज में, तो हम लोगों को अभी तक तो ऐसा बिगड़ने का कोई परिस्थिति दिखाई नहीं दिया। तो हम लोगों को उस तरह से परवरिश कर किया गया या इस तरह से हम लोग वो कैरी ऑन जो होता है, जो कैरी ऑन करके लेके जाना है वो कैरी ऑन करना है, तो वो कैरी ऑन नहीं हो रहा है, वो बर्डन हो जा रहा है बच्चों के ऊपर में, तो इसलिए और ज़्यादा क्राइम हो रहा है। मैडम जी हाँ ऑब्वियसली बहुत बहुत प्यार आप लोगों को देखने के लिए हम लोगों को और हम लोगों का बात सुनने के लिए, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं आप लोगों को प्लीज़ पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे जो अभी हम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारा न्यूज़ हम लोग सुनते हैं और हम लोग देखते भी हैं और जाते भी हैं हेल्प करने के लिए, ये अगर हम लोग छोटा मतलब जो जड़ है उस जगह से अगर हम लोग शुरू करें तो प्लीज़ हम लोग सब मिल के अगर करें तो ये हो सकता है सब कुछ ठीक, सिर्फ बोलने से नहीं। हम लोग यहाँ बोलेंगे और आप लोग सुनेंगे, या हम सिर्फ बोल रहे हैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग सब काम करना चाहते हैं, हम भी काम करना चाहते हैं, आप लोग भी काम करिए, लेके आइए जो है ऐसा कुछ देख रहे हैं आप, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है हमारा आप लोगों से। थैंक यू। सुन लें तो जे हमारे बाबा मार कर्तव्य कतटा, কতটা যে কিভাবে একটা বাচ্চাকে মানুষ করতে হবে। আমরা দেশ মহান বললে বা লিখলে মহান হয়ে যাবে, তাকে করে দেখাতে হবে, সেটা নিজেদেরকে করতে হবে, কেউ হেল্প করবে না। বন্ধুরা এর পরের এপিসোডে এই টপিকস নিয়ে আলোচনা হবে, কিন্তু সেটা ডক্টর নিয়ে হবে। তো আমি আজকে আপনাদের থেকে বিদায় চাইলাম, নেক্সট দিন আবার দেখা হচ্ছে একই সময়।